वेलकम अंजिम्स किचन में वेलकम। आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज बनाते हैं इम्यूनिटी बूस्टर चिकन। घर में हर किसी को सर्दी और जुकाम हुआ है, थोड़ी सी खांसी भी हो रही है, तो आज बनाएंगे बहुत ही इम्यूनिटी बढ़ाने वाला चिकन जिसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। कुछ ऐसे मसाले डालेंगे जिनकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjims.kitchen पे। दोस्तों हमने ले लिया है चिकन, इसके हमने मीडियम साइज की पीसेस कर लिया है। इसे बहुत अच्छे से 3-4 पानी से पहले धो लिया है और ये कम से कम 1.5 किलो के करीब चिकन है। अब ये जो क्वांटिटी है तो आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपके यहाँ कितने मेंबर हैं, आपको कितना बनाना है। और यहाँ जो मसाला है, मसाला भी बस अंदाजे के हिसाब से है। तो आप ये देख लीजिएगा कि आप जितना चिकन बना रहे हैं उसमें ग्रेवी अगर आपको चाहिए तो आप प्याज को ज़्यादा कर दीजिए और हरा धनिया को भी ज़्यादा कर दीजिए, और आपको ग्रेवी कम चाहिए तो आप इसे कम कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने ले लिया है सबसे पहले काली मिर्च जो कि 1 टेबल स्पून के करीब है, इसकी तासीर गर्म होती है। यहाँ लौंग लिया है 1 टीस्पून के करीब, जिसमें कम से कम 10 से 15 लौंग हैं और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है और जुकाम सर्दी में ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट बताती है, खांसी इससे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे लिया है इलायची, इलायची के भी बेशुमार फायदे हैं। यहाँ पे है हरी मिर्च, आप अपने जायके के हिसाब से लीजिए। हमने यहाँ पे लिया है कम से कम 8 हैं ये, और यहाँ पे ले लिया हमने मुट्ठी भर के हरा धनिया। हरा धनिया भी बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, इससे भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो इसे खूब अच्छे से हमने धो लिया और ले लिया है। और ये जो प्याज है, प्याज एक बड़ी प्याज थी इसलिए आपको ज़्यादा लग रही है, आपकी मीडियम साइज़ की है तो आप 2 ले लीजिए। तो बस जल्दी से इस मसाले को हम पीस लेंगे। ले लिया है अपने मिक्सी का जार जिसमें हम सबसे पहले डाल देते हैं हरा धनिया। आप चाहें तो कट करके डालिए, चाहे तो आप ऐसे डाल दीजिए। अब इसमें डाल देते हैं प्याज और डाल देंगे हरी मिर्च और सारी चीज़ें इसमें चली जाएंगी जो कि हैं काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सब चीज़ें इसमें डाल दिया हमने। अब क्या करना है, तो ये देखिए हमने इसे पीस लिया है। तो मसाला हमारा पिस गया है, झटपट से बस हमारा चिकन बन जाएगा। ले आते हैं कुकर को, कुकर में डाल देंगे सारे चिकन के पीसेस। तो ये हमने डाल दिया और बस अब इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाह करके ये मसाला। सारा मसाला हमने इसमें डाल दिया, थोड़ा सा पानी से इसको धो के डाल दीजिए क्योंकि वैसे भी हम एकदम सूखा सूखा वाला नहीं बना रहे हैं, थोड़ा सा ग्रेवी रहेगी तो मज़ा आएगा। तो ये हमने इसको धो के डाल दिया और उसके बाद इसमें जाएगा नमक, नमक हसबे ज़ायका है जो कि डाल रहे हैं हम 1 टीस्पून के करीब। नमक थोड़ा सा कम डालिएगा क्योंकि साथ में डालने वाला है मैगी का चिकन क्यूब, तो 1 चिकन क्यूब डाल रहे हैं हम इसमें। और थोड़ी सी इसमें जाएगी हल्दी, बहुत कम डालेंगे, बहुत कम क्वार्टर मतलब 2-3 पिंच डाल रहे हैं बस। और इसमें जाएगा थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 टेबल स्पून के करीब, 1 या 2 टेबल स्पून डाल दीजिए। ठीक है, अब इसे आप एक बार अच्छे से मिला दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि पानी की और ज़रूरत है तो आप पानी डाल दीजिए, क्योंकि हमने जैसे आपको बताया कि हम तो ग्रेवी वाला बना रहे हैं तो हम इसमें और पानी डालेंगे। तो हमने मिक्सी को धो के डाल दिया और इतना पानी बिल्कुल भी इनफ है। और साथ में इसके जाएगा 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलिए बस इसे बंद करते हैं और हम 2 सीटी देंगे और 2 सीटी के बाद हमारा ये चिकन है बिल्कुल रेडी हो जाएगा बिना मसाले को भुने वुने। तो दोस्तों हमारा 3 सीटी हो चुके हैं और देखिए प्रेशर भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके खोलते हैं और हमारा इम्यूनिटी बूस्टर चिकन कैसा बना है देखते हैं। ओफ 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 ओफ, माशाल्लाह माशाल्लाह, गजब। जैसे ही खोला हमने, आपको क्या बताएं हम, इतनी प्यारी खुशबू आई है लौंग की और इलायची की। और बस देखिए कितना आसानी से बन गया, ना इसे हमें भूनना पड़ा ना हमें कुछ भी करना पड़ा। और देखिए रेडी है, खूब अच्छे से गल गया है, गरम गरम चावल पे इसे डालेंगे और खाएंगे। तो ये हो गया रेडी, चलिए करते हैं सर्व। तो चलिए जल्दी से करते हैं इसे डिश आउट। बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है लौंग की और काली मिर्च की और इलायची की, और इससे आपका सर्दी जुकाम खत्म हो जाएगा
और जब तबीयत खराब होती है तो खास तरीके से जब लेडीज की तबीयत खराब होती है तो ऐसा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि किचन में जाके खाना पकाएं, और ये भी दिल नहीं करता कि होटल से बाहर का मंगाया जाए क्योंकि बाहर के खानों में मजा ही नहीं आता। इसलिए आप जल्दी से ये वाली डिश बनाइए जिससे घर वाले खुश होकर खाएं, उनको ताकत भी मिले और जिसमें ज्यादा मसाले भी नहीं डले हैं और ऐसी चीजें डली हैं जो आपको फायदा देंगी खांसी में, सर्दी, जुकाम में, उन सब चीजों में। तो जरूर बनाइएगा और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हम आपको चख के भी बता देते हैं, वैसे तो गर्म गर्म चावल के साथ ये बहुत अच्छा लगने वाला है लेकिन हम रोटी के साथ ही खाना पसंद करेंगे। तो बहुत अच्छे से गल गया है, आप देख सकते हैं, बस मल मल के गर्म गर्म सा खाइए। माशाल्लाह बहुत ही लजीज। आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। तो फिर मिलते हैं एक मजेदार से झटपट बनने वाली रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए और दुआ में मुझे याद रखिए। खुदा हाफिज़।